अभी वृंदावन मथुरा में आए हुए हैं, इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी, और हम भी वृंदावन में हैं। तो हम जो है वृंदावन में सौरभ जोशी को ढूंढते हैं कि सौरभ जोशी हमें मिलते हैं या नहीं, और साथ ही हम आपको वृंदावन के सभी दर्शनीय जो फेमस जो प्लेस हैं सब दिखाएंगे। और अभी हम खड़े हैं प्रेम मंदिर के गेट पर, प्रेम मंदिर का गेट, और अभी ये गेट बंद है, और क्योंकि 4:30 बजे ये गेट खुलेगा और इसके बाद यहाँ श्रद्धालु इसके दर्शन कर पाएंगे प्रेम मंदिर के। तो अभी सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं बाहर बैठे हैं गेट के बाहर, और गेट खुलने का इंतज़ार हो रहा है। तो अभी सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं बाहर बैठे हैं गेट के बाहर, और गेट खुलने का इंतज़ार हो रहा है। सामने इस्कॉन मंदिर, यहाँ पर लिखा है श्री श्री कृष्णा बलराम टेम्पल, और यहाँ पर भी गेट अभी बंद है, खुलने के बाद भी हम अंदर सौरभ जोशी को ढूंढेंगे। तो हम सौरभ जोशी को सभी वृंदावन की फेमस जगह पर ढूंढ रहे हैं, अभी हमें नहीं मिले, और अभी हम आ गए इस्कॉन मंदिर के गेट पर। ये वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, अभी इसका गेट बंद है, तो बाद में जब खुलेगा तब आपको दिखाएंगे। तो इस्कॉन मंदिर में भी सौरभ जोशी हमें नहीं मिले, हम चलते हैं प्रेम मंदिर, शायद प्रेम मंदिर में सौरभ जोशी मिल जाए हमको, इसलिए हम चलते हैं प्रेम मंदिर। मार्ग वृंदावन का, तो वृंदावन में काफ़ी ढूंढने के बाद भी सौरभ जोशी अभी अभी नहीं मिले हैं, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के अंदर, वहाँ देखें अगर सौरभ जोशी हमें मिलते हैं या नहीं। अब आ गए हम प्रेम मंदिर में, और यहाँ भी हम देखेंगे सौरभ जोशी शायद हमें यहाँ मिल जाए। तो देखिए तो लगता है सौरभ जोशी अपना ब्लॉग वीडियो शायद कल ही शूट कर लिए थे, और कल ही वो यहाँ से निकल गए थे, इसलिए हमें वो यहाँ पर नहीं मिले। तो हम भी चलते हैं अपने घर को, काफ़ी ढूंढने के बाद पूरा वृंदावन घूमने के बाद भी जो है सौरभ जोशी हमें नहीं मिले। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, हमें सौरभ जोशी तो नहीं मिले लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमारी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा घूमी।